वेस्टर्न कैनेडियन प्रोविंसेस यानी के मैनिटोबा, सस्कैचवन, अल्बर्टा एंड ब्रिटिश कोलंबिया, ये चार प्रोविंसेस को वेस्टर्न कैनेडियन प्रोविंसेस कहा जाता है। इस चारों प्रोविंसेस के ऊपर मैंने पहले इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ है, जिसके चारों के चारों सेपरेट वीडियोस की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज ओवर हियर इन द क्यू कार्ड। आज की वीडियो में इन चारों के चारों प्रोविंसेस के कंपैरिजन करने वाला हूं दोस्तों। बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर चर्चा करेंगे, जियोग्राफी, वेदर कंडीशन, पॉपुलेशन, जीडीपी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड क्राइम रेट एज वेल एज पीएमपी प्रोसेसेस के ऊपर, चारों के चारों प्रोविंसेस के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करेंगे आज की वीडियो में दोस्तों। हेलो एंड वेलकम टू राम्स लाइव चैनल। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले जियोग्राफी एंड वेदर कंडीशंस से। जियोग्राफी की बात करते हैं दोस्तों, सस्कैचवन एंड मैनिटोबा एंड अल्बर्टा को प्रेरी प्रोविंसेस कहा जाता है। यहाँ पर सस्कैचवन एंड मैनिटोबा में फ्लैट लैंड है, ग्रास लैंड देखने को मिलेगी, यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट जैसी चीजें बहुत कम है। बट जैसे ही आप अल्बर्टा में एंटर होते हो प्रेरीज के साथ यानी कि फ्लैट लैंड के साथ, जियोग्राफी में बहुत बड़ा चेंजेस आता है, उसमें माउंटेन्स, फॉरेस्ट, लेक्स जैसी चीजें भी जुड़ जाती है। और यही सारी चीजें अल्बर्टा को जियोग्राफिकली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना देती है, इसलिए अल्बर्टा बहुत ज्यादा पॉपुलर है टूरिज्म के लिए दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे। उसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें दोस्तों, तो वहां पर प्रेरीज खत्म हो जाती है, लेक्स, माउंटेन, फॉरेस्ट जैसी बहुत सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां का बढ़िया है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी वहां पर रहते हैं बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया, इसीलिए वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफी ज्यादा आए हैं, आगे बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। बट वेदर कंडीशन की बात करते हैं दोस्तों, सस्कैचवन, मैनिटोबा एंड अल्बर्टा में विंटर कंडीशंस बहुत ज्यादा हार्श है, बहुत स्पीड में यहाँ पर विंडी होता है वेदर, बहुत ज्यादा विंटर रहता है यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर, और समर 4-5 महीने तक ही सिर्फ रहता है। सस्कैचवन, मैनिटोबा में बहुत ज्यादा हार्श है, अल्बर्टा में थोड़ा बहुत अच्छा है, बट वहां पर भी कलगरी में बहुत बार विंटर स्टॉर्म ऑब्जर्व किया गया है और बहुत ही बुरा विंटर स्टॉर्म देखा गया है इन द अल्बर्टा ऑल्सो। सो वेदर कंडीशंस थोड़ी हार्श है इन दोनों तीनों जगह पर। बट ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें दोस्तों, तो वहां पर थ्रू आउट द ईयर रेन देखा गया है, वहां पर इतनी ज्यादा हार्श वेदर कंडीशन नहीं है, बट थ्रू आउट द ईयर वहां पर रेन ऑब्जर्व किया गया है और डे लाइट आवर्स भी वहां पर बहुत सारे मंथ में कम है, यानी कि 8-9 आवर्स तक ही सिर्फ डे लाइट देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द रेनी कंडीशंस, वहां पर क्लाउडी वेदर ज्यादा ऑब्जर्व किया गया है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों पॉपुलेशन के बारे में। 2020 के हिसाब से मैनिटोबा में 1.38 मिलियन, सस्कैचवन 1.18 मिलियन, 4.42 मिलियन इन अल्बर्टा एंड 5.1 मिलियन इन ब्रिटिश कोलंबिया है दोस्तों, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ब्रिटिश कोलंबिया में, सस्कैचवन में है सबसे कम। पॉपुलेशन का ग्रो काफी फास्ट हो रहा है बिकॉज बहुत सारे इमिग्रेंट्स यहाँ पर वेस्टर्न कैनेडियन प्रोविंसेस में आ रहे हैं इसलिए दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों जीडीपी के बारे में। 2019 के डेटा के हिसाब से मैनिटोबा में 63.49 बिलियन, सस्कैचवन 81.54 बिलियन, 334.17 बिलियन इन अल्बर्टा, 253.05 बिलियन इन ब्रिटिश कोलंबिया जीडीपी ग्रोथ देखा गया है। जीडीपी पर कैपिटा अल्बर्टा में सबसे ज्यादा देखा गया है, जीडीपी भी यहां पर सबसे ज्यादा अल्बर्टा का है दोस्तों, उसके बाद जीडीपी पर कैपिटा हाईएस्ट देखा गया है सस्कैचवन में। बात करते हैं इस ग्राफ में दोस्तों 1950 एंड 2016 का कंपैरिजन किया गया है। ब्रिटिश कोलंबिया सेकंड रैंक पे था 1950 में, 2016 में फिफ्थ रैंक पे है, अल्बर्टा थर्ड रैंक पे था 1950 में, 2016 में नंबर वन पे है, और 2019-2020 या 21 में भी अल्बर्टा का जीडीपी एज वेल एज जीडीपी पर कैपिटा नंबर वन पे ही रहेगा ओवरऑल कनाडा में। एंड इन चारों प्रोविंसेस की बात करें तो सस्कैचवन रहेगा सेकंड नंबर पे एटलीस्ट जीडीपी पर कैपिटा में, सो यहां पर विनर है अल्बर्टा दोस्तों। कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहां पर आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि अल्बर्टा $15 पर आवर मिनिमम वेज पे करता है, जो हाईएस्ट है कनाडा में और हाईएस्ट है इन वेस्टर्न कनाडा कंपेयर टू ब्रिटिश कोलंबिया, सस्कैचवन एंड मैनिटोबा। ब्रिटिश कोलंबिया 14.60, सस्कैचवन 11.45 एंड मैनिटोबा 11.90 कैनेडियन डॉलर पर आवर पे करता है दोस्तों। बट सिर्फ मिनिमम वेज के हिसाब से अगर आप चॉइस करते हो प्रोविंस को, सो आप गलती कर रहे हो बिकॉज लिविंग वेज देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहां पर पिछले वीडियोस में मैंने डिटेल में बात की थी लिविंग वेज क्या होता है उसके बारे में। यहां पर मिनिमम वेज एंड लिविंग वेज में जिस प्रोविंस में बहुत कम डिफरेंस है वो प्रोविंस अच्छा खासा ग्रो कर रहा है जीडीपी एंड इकोनॉमी के हिसाब से दोस्तों। सो यहां पर मैंने इन चारों प्रोविंसेस के एनालिसिस में
देखा है कि मैनिटोबा में मिनिमम वेज एंड लिविंग वेज में 3.38 कैनेडियन डॉलर का डिफरेंस है, सस्कैचुआन में 5.50 कैनेडियन डॉलर्स का डिफरेंस है एंड अल्बर्टा में 3.15 कैनेडियन डॉलर्स का डिफरेंस है, ब्रिटिश कोलंबिया में 4.90 कैनेडियन डॉलर्स का डिफरेंस देखा गया है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर अल्बर्टा आगे है तीनों प्रोविंसेस से, ऐसा हम कह सकते हैं, और सेकंड नंबर पे है मैनिटोबा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों टैक्स के बारे में, तो अल्बर्टा में 5% जीएसटी लिया जाता है सिर्फ, पीएसटी वहां पर नहीं है बिकॉज ऑयल बेस्ड इकोनॉमी होने की वजह से वहां पर टैक्स बहुत ज्यादा कम है। 5% इज द लोवेस्ट टैक्स इन कैनेडा एज वेल एज लोवेस्ट टैक्स इन वेस्टर्न कैनेडियन प्रोविंसेस। सो अल्बर्टा में बहुत कम टैक्स है, ब्रिटिश कोलंबिया में 5% जीएसटी है, 7% पीएसटी है, मैनिटोबा में 5% जीएसटी है एंड 7-6% पीएसटी है, एज वेल एज इन सस्कैचुआन 5% जीएसटी एंड 6% पीएसटी है। यानी कि यहां पर अल्बर्टा आ गया है इन केस ऑफ टैक्स ऑल्सो। बात करते हैं कार इंश्योरेंस के बारे में दोस्तों, तो यहां पर एवरेज इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयर दिखाया गया है। हालांकि कार खरीदना कैनेडा में हर जगह पर काफी ईजी है, बट कार इंश्योरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है कुछ कुछ प्रोविंसेस में। यहां पर आप देख सकते हो एवरेज इंश्योरेंस प्रीमियम ब्रिटिश कोलंबिया में सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑन्टारियो में का नंबर आता है, अल्बर्टा सस्कैचुआन एंड मैनिटोबा उसके भी लास्ट में आता है। यानी कि मैनिटोबा में सबसे कम है, थोड़ा ज्यादा है सस्कैचुआन में, थोड़ा ज्यादा है उससे अल्बर्टा में, बट ब्रिटिश कोलंबिया में अगर आप जाते हो वहां पर कार लेते हो तो इंश्योरेंस बहुत ज्यादा हाई आने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज एवरेज इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयर, सो अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखते हो आपको पता चल गया होगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां पर। सो कहने की सिंपल बात यह है कि ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत ज्यादा है यहाँ पर एवरेज कार इंश्योरेंस, मैनिटोबा एंड सस्कैचुआन यहाँ पर डेफिनेटली विनर है इनके सफर कार इंश्योरेंस दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों हाउस प्राइस की, अगर आपको फ्यूचर में हाउस लेना है यहाँ पर आप देख सकते हो सस्कैचुआन में सबसे कम प्राइस में आपको हाउस मिल जाएगा, उसके बाद मैनिटोबा का रैंक आता है, उसके बाद अल्बर्टा का रैंक, उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है हाउस खरीदना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, हाईएस्ट इन कैनेडा इज द ब्रिटिश कोलंबिया, बट सस्कैचुआन यहां पर जीत जाता है। सबसे कम रेट में आपको यहां पर हाउस खरीदना है तो सस्कैचुआन मिल जाएगा, सेकंड नंबर पे है मैनिटोबा दोस्तों, उससे थोड़ा ऊपर है अल्बर्टा। बात करते हैं दोस्तों रेंट के बारे में, सो टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव रेंट मार्केट में भी ब्रिटिश कोलंबिया नंबर 1 पे आता है, उसके बाद अल्बर्टा है, उसके बाद सस्कैचुआन एंड मैनिटोबा है। यानी कि रेंट अगर आपको ब्रिटिश कोलंबिया में करना है सो वन ऑफ द हाईएस्ट रेंट पेइंग प्रोविंस कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। सो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया जाके अपार्टमेंट रेंट पे लेना चाहते हो तो, ऑन्टारियो से भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है वहां पर हाउस रेंट करना दोस्तों। सो ये एक बात थी। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया सेकंड नंबर पे आती है कैनेडा में, ग्लोबली 31 रैंक पे आती है। उसके अलावा विक्टोरिया एंड सिमोन फ्रेशर यूनिवर्सिटी भी काफी ज्यादा ग्लोबली एज वेल एज इन कैनेडा में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है ब्रिटिश कोलंबिया में। हालांकि वहां पर फीस भी इतनी ही ज्यादा है, मैंने ब्रिटिश कोलंबिया के डिटेल वीडियो में वो सारे की सारी चीजें एक्सप्लेन की है, आप वो वीडियो देख लीजिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कॉलेजेस के बारे में भी उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो यहां पर वो कॉलेज का पोर्शन मैं स्किप करना चाहूंगा दोस्तों। बात करते हैं अल्बर्टा के बारे में, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा 5th रैंक पे आती है इन द कैनेडा, यूनिवर्सिटी ऑफ कलगरी 7th रैंक पे आती है, उसके अलावा लेथब्रिज यूनिवर्सिटी भी एक एवरेज यूनिवर्सिटी है कनाडा में, बट अल्बर्टा में यूनिवर्सिटीज टॉप रैंक की तो है बट वहां पर फीस भी अफोर्डेबल है, ब्रिटिश कोलंबिया जितनी हाई नहीं है। सो ये एक एडवांटेज है अल्बर्टा का। सस्कैचुआन में यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुआन, यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना है, दोनों एवरेज यूनिवर्सिटीज कही जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुआन रजाइना से काफी अच्छी है, ऐसा मैंने पहले पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया था। मैनिटोबा की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा 15th रैंक पे आती है इन द कैनेडा एंड 390 रैंक पे आती है ग्लोबली दोस्तों। यहां पर मेरा ऐसा मानना है कि टॉप रैंक एज वेल एज अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो अल्बर्टा यहां पर आगे है सभी प्रोविंस के कंपेयर में, बिकॉज सस्कैचुआन एंड मैनिटोबा में अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज है, एवरेज यूनिवर्सिटी है, लो कॉस्ट यूनिवर्सिटी है, बट टॉप रैंक में नहीं है ये सारे ये यूनिवर्सिटीज। ब्रिटिश कोलंबिया में टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है वहां पर, बट कॉस्ट फीस जो है वो काफी हाई है, इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि अल्बर्टा में आपको टॉप रैंक यूनिवर्सिटी एज वेल एज अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से एजुकेशन मिल जाएगा यहां पर, ऐसा दिख रहा है दोस्तों। बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में, मैनिटोबा में एरोस्पेस, इलेक्ट्रिसिटी, एनवायरमेंटल, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग,
ट्रांसपोर्टेशन एंड अभी आईटी सेक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं वहाँ पर, सो टेक्निकल जॉब्स मिलने के चांसेस हैं। उसके अलावा सस्केचून में माइनिंग, एग्रीकल्चर, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। सो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत जॉब्स अवेलेबल है, बट मेजोरिटी ऑफ जॉब एग्रीकल्चर एंड ऑयल इंडस्ट्रीज में है इन द सस्केचून दोस्तों। उसके अलावा बात करें तो अल्बर्टा में सबको पता है कि ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, वहाँ पर ऑयल एंड गैस एंड माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल्स में भी वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्रीज एज वेल एज ट्रेड एंड टूरिज्म इंडस्ट्री वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्ट अप है। सो टेक्निकल जॉब्स, इंजीनियरिंग जॉब्स मेरे हिसाब से अल्बर्टा में ज़्यादा है कंपेयर टू सस्केचवन एंड मैनिटोबा दोस्तों। बात करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में, वहाँ पर बिजनेस रिलेटेड जॉब ज़्यादा अवेलेबल है, हेल्थ केयर रिलेटेड है, रिटेल ट्रेड रिलेटेड है, फूड एंड अकोमोडेशन इंडस्ट्रीज है, एजुकेशनल सेक्टर्स है, प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल सेक्टर्स है वहाँ पर। बट मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग टेक्निकल जॉब्स थोड़ी कम है, बट बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंस, अकाउंटिंग रिलेटेड जॉब्स ब्रिटिश कोलंबिया में ज्यादा है। अगर आप टेक्निकल जॉब्स के बारे में देख रहे हो तो अल्बर्टा यहाँ पर क्लियरली बाजी मार ज्यादा है दोस्तों। बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड क्राइम रेट के बारे में, 2020 के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इस ग्राफ में देख सकते हो दोस्तों, COVID-19 की वजह से सभी के सभी प्रोविंस अफेक्टेड हुए हैं इन द कैनेडा एज वेल एज सभी कंट्री में अफेक्टेड हुआ है COVID-19 की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी इंक्रीज हुआ है। बट यहाँ पर देखें दोस्तों तो कनाडा का एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 9.5% इन 2020, बट उससे कहीं ज्यादा हाई है अल्बर्टा का 11.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सो ये एक बुरी बात है अल्बर्टा के लिए। उसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया, सस्केचवन एंड मैनिटोबा बिलो एवरेज है कनाडा में, यानी कि 8.8% है ब्रिटिश कोलंबिया में, 8.3% है सस्केचवन में, 7.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मैनिटोबा में, यानी कि सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है सस्केचवन एंड मैनिटोबा। सो ये तीनों विनर है, उसके ऊपर है ब्रिटिश कोलंबिया एंड सबसे वर्स्ट कंडीशन में अल्बर्टा गया था 2020 में। उसके बारे में मैंने डिटेल में वाई अल्बर्टा वीडियो में बात की थी कि ऐसी सिचुएशन वहां पर क्यों है, वो वीडियो देख लीजिए, सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों क्राइम रेट के बारे में, यहां पर आप देख सकते हो मैकलेन्स की लिस्ट के हिसाब से टॉप 10 सिटीज जहां पर क्राइम ज्यादा है, टॉप 9 सिटीज वेस्टर्न कनाडा की है, यानी कि मैनिटोबा है सबसे पहले, सस्केचवन है, अल्बर्टा है एंड ब्रिटिश कोलंबिया भी है इस लिस्ट में शामिल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस टॉप 10 में जो टाउन्स के या विलेज के नाम है वहां पर ही है क्राइम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लिस्ट में आगे जाओगे तो आपको 25, 20, 18 रैंक पे आपको यहाँ की बड़ी बड़ी सिटीज, यानी कि सस्केचवन में की बात करें तो रजाइना, सास्कटून, अल्बर्टा की बात करें तो एडमंटन, मिनिटोबा की बात करें तो विनिपेग एंड ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें तो वहां की भी बड़ी सिटीज के नाम अवेलेबल है, यानी कि हर सिटी में प्रोविंस के क्राइम है ही है, यानी कि वेस्टर्न कैनेडियन प्रोविंस काफी अच्छा नहीं कर रहे हैं इन केस ऑफ अ क्राइम। बट यहां पर अगर चारों प्रोविंस के कंपेरिजन की बात की जाए अंदर अंदर, तो सबसे ज्यादा क्राइम है मैनिटोबा एंड सस्केचवन के अंदर, उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया में, और सबसे कम देखा गया है, यानी कि एटलीस्ट लिस्ट के हिसाब से अगर फॉलो करें तो सबसे कम अल्बर्टा में ऑब्जर्व किया गया है। सो यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि अल्बर्टा थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है इनकेस ऑफ अ क्राइम दोस्तों ओवर हियर। बात करते हैं दोस्तों लास्ट टॉपिक के बारे में जो कि है पीएनपी प्रोसेसेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एसआईएनपी के बारे में मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, वो वीडियो आप देख लीजिए, सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अल्बर्टा मैनिटोबा के बारे में जल्दी ही वीडियो डाल दूंगा, ब्रिटिश कोलंबिया के पीएनपी के ऊपर भी मेरा वीडियो प्रोसेस में है ही दोस्तों। बट यहां पर एक चीज कहना चाहूंगा, पीएनपी किसी भी प्रोविंस में दोस्तों एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर चाहिए आपको, तभी आपके पॉइंट्स ज्यादा होंगे। बट थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं इन चारों प्रोविंसेस की पीएनपी में। सबसे इजी मेरे हिसाब से मुझे लगता है मैनिटोबा का है, उसके बाद सस्केचवन का है, अल्बर्टा का थोड़ा हार्ड है, ब्रिटिश कोलंबिया का भी हार्ड है पीएनपी प्रोसेसेस। सो उसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में कवर करूंगा दोस्तों, इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। बट एसआईएनपी का वीडियो मैंने डाल दिया है, वो वीडियो देख लीजिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सस्केचवन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम के बारे में दोस्तों। इसके अलावा ये सारी बातें थी इस वीडियो में इन चारों प्रोविंसेस के कंपैरिजन के बारे में, मेरा पर्सनल ओपिनियन यहां पर देना चाहूंगा दोस्तों। सो सबसे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपके लिए बेस्ट प्रोविंस वही है जहां पर आपको एडमिशन मिला है और आप वहां पर जा रहे हो, वही प्रोविंस आपके लिए अच्छा है, ऐसा दिमाग में रख के वहां पर जाइए, देन यू कैन ऑल इजीली फोकस ऑन योर जॉब एंड करियर एंड स्टडी। बट यहां पर डेटा के हिसाब से और मैंने जो एनालिसिस किया हुआ है और मैंने जो आपको चीजें बताई उसके हिसाब से अगर हम फॉलो करें
तो वेस्टर्न कनाडा में अगर इन चार प्रोविंस में से किसी एक प्रोविंस को मुझे चुनना हो पर्सनली, सो मेरा ओपिनियन जाएगा अल्बर्टा के साथ। अल्बर्टा मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट है कंपेयर टू ब्रिटिश कोलंबिया, सस्कैचुअन एंड मैनिटोबा, बिकॉज वहाँ पर जो मिनिमम वेज है वो भी अच्छा है, लिविंग वेज एंड मिनिमम वेज का डिफरेंस बहुत कम है, टैक्स वहाँ पर बहुत कम पे करना पड़ता है, टेक्निकल जॉब्स मेरे हिसाब से वहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल है कम्पेयर टू सस्कैचुअन मैनिटोबा एंड ब्रिटिश कोलंबिया, स्पेशली फॉर द इंजीनियरिंग सेक्टर्स, एज वेल एज वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशंस भी इतनी बुरी नहीं है जितनी सस्कैचुअन मैनिटोबा में है। हालांकि वहाँ पर विंटर स्टॉर्म एंड विंटर वहाँ पर भी हॉरिबल है, बट वहाँ पर करने के लिए चीज़ें है, थिंग्स टू डू वहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी पॉपुलर जगह है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है दोस्तों। सो ये एक बात थी। उसके अलावा वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है, क्राइम रेट के बारे में भी हमने डेटा देखा वहाँ पर, तो थोड़ा बहुत कम कह सकते हैं हम कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस इन वेस्टर्न कनाडा दोस्तों। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन जाता है यहाँ पर डेटा के हिसाब से, ऑन पेपर जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से अल्बर्टा इज अ गुड प्लेस टू गो एंड सेटल ओवर देयर। दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है दोस्तों। मुझे ज़रूर से बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके नीचे, और लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और राम्स लाइफ चैनल पर अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले इस चैनल को दोस्तों, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। हर वीक में मैं वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर मैं जेन्युइन सोर्स को फॉलो करके एनालिसिस बेस्ड वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कनाडा के बारे में दोस्तों। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू टेक केयर माय फ्रेंड्स एंड बाय।